हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो अमेरिका चुन रहा है अपना नया राष्ट्रपति। भारत के लिहाज से ये बदलाव अगर होता है तो क्या लेकर आता है, और अगर नहीं होता है तो भी क्या लेकर आता है, इस पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए इस वक्त की ताजा टैली क्या कहती है। 94 पर है अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप, और 129 यानी कि बहुमत के आंकड़े के सबसे करीब, जो कि 270 है, 129 लेकर बाइडेन लगातार बढ़त बनाए हुए। 12 राज्यों में ट्रंप ने कब्जा जमा लिया है, 10 में बाइडेन जीत चुके हैं। फ्लोरिडा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है, वहां भी ट्रंप ने बढ़त बना ली है। लेकिन एक ट्विस्ट है इस बीच। ट्विस्ट क्या है यह आपको समझना चाहिए कि स्विंग स्टेट्स अभी तक डिसाइसिव हैं, यानी कि ये तय स्विंग स्टेट्स करेंगे कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। गेम चेंजर फ्लोरिडा बन सकता है। फ्लोरिडा में ट्रंप को 51% वोट मिले हैं, बाइडेन को 41%। बिल्कुल निर्णायक राज्य फ्लोरिडा। इसके अलावा अन्य जो स्विंग स्टेट हैं वो भी निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। लेकिन पिछले 100 सालों में हमेशा ऐसा हुआ है कि फ्लोरिडा जीते बिना कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन पाया। ताजा आंकड़े बता रहे हैं हम आपको, इलेक्ट्रोल वोट है 29, 51% वोट के साथ डोनाल्ड ट्रंप यहां पर लीड कर रहे हैं, जबकि 47.9% वोट के साथ बाइडेन ये राज्य हारने जा रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रोल वोट पर कब्जा अभी तक जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का होने जा रहा है। लेकिन उसके अलावा टेक्सास में, जॉर्जिया में, मिशिगन में, ये वो स्टेट हैं जो स्विंग स्टेट कहलाते हैं। यहां पर क्या होगा वो सब तय करेगा कि अमेरिका का अगली राष्ट्रपति कौन होगा। हम चंद सेकंड में वो आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं निर्णायक राज्य फ्लोरिडा वो डोनाल्ड ट्रंप की गोद में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिना फ्लोरिडा जीते 100 साल में कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन पाया है, कोई भी उम्मीदवार अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन पाया है। गेम चेंजर फ्लोरिडा में ट्रंप 51% वोट के साथ लीड कर रहे हैं। निर्णायक राज्य फ्लोरिडा में बढ़त बनाई हुई डोनाल्ड ट्रंप ने, जबकि कुल मिलाकर बढ़त जो है वो जो बाइडेन ने बनाई हुई 129 वोट के साथ वो नंबर 1 पर बने हुए। इन सब के बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान सौरभ शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ा पैनल अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर, केवल और केवल आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। सौरभ जी, टैली तो लगातार बदलती रहेगी, लेकिन क्या बदल जाएगा अमेरिका का इतिहास, क्योंकि अभी तक वहां शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होता रहा है। लेकिन अब जब ट्रंप खुद कह रहे हैं कि मैंने हार की स्पीच तैयार ही नहीं की है, हार मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा, मैं तैयार ही नहीं हूं हार के लिए, तो फिर ये जो सुरक्षा और गहमा गहमी और जो डर है, क्या ये सच हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अभी भी अगर आप देखें कि जितने भी बड़े बड़े वहाँ इमारत है उनको पूरी तरह से बैरिकेड कर दिए गए हैं, इरेक्ट व्हाइट हाउस के बाहर बैरिकेड इरेक्ट कर दिए हैं। पर जैसे कि विकास जी कह रहे थे, मैं आपको एक चीज बताऊं, फ्लोरिडा जो है वो एक गेम चेंजर हो सकता है। और पहली बार वहां पर जो मेरे पास खबरें आ रही हैं, वहां जो लैटिनो कम्युनिटी है जिसने 2016 में हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट किया था, वो इस वक्त इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। तो फ्लोरिडा जो है एक अहम रेस हो सकती है, 29 वोट्स हैं वहां पर, वो जो है गेम चेंजर हो सकता है। तो अभी भी एक कांटे की टक्कर है। तो ये जो इलेक्शन है, मैं कहता हूँ किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है कि एक अच्छा मुकाबला हो। तो मैं ये कहूंगा कि अच्छा मुकाबला होगा, और आप जानते ही हैं कि जर्नलिस्ट हम लोग सब है, पोल्स जो है वो हमेशा सही नहीं होते, जनता की जो रुझान होते हैं वो सही होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का कितना असर पड़ेगा, एक ये बड़ा इलेक्शन में फैक्टर रहेगा। क्या लोग अमेरिका के समझते हैं कि कोविड बड़ा वो है? और एक बात और, बड़ी खबर आ रही है, माफ कीजिएगा बीच में मैं रोकना चाहूंगा आपको। टेक्सास से एक बड़ी खबर आ रही है, टेक्सास में कांटे की टक्कर चल रही है। इस कांटे की टक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने वापसी की है। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर नंबर 1 पर आ गए। टेक्सास में ट्रंप को 49.4% वोट मिला है। निर्णायक राज्य टेक्सास, यहां पर अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बनाई है। जो बाइडेन यहां पर बढ़त बनाए हुए थे। सीधे चलते हैं सौरभ शुक्ला के पास। सौरभ, बड़े उलटफेर की संभावना है टेक्सास में? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना, जैसे मैं आपको कहा कि अमेरिकी जो इलेक्शन है ये इस वक्त जब हम लोग बात कर रहे हैं, करीब 8 बजे भारत में बजे हैं सुबह के, तो आप ये मानिए कि उलट फेर जो है बार बार होता रहेगा। और जिस तरह से वहां पर चल रहा है, अगर आप देखें टेक्सास आपने अभी बात की, उससे पहले फ्लोरिडा की बात की, तो ये हमेशा मुझे लगता है कि अभी एक जिसे कहते हैं रोलर कोस्टर राइड रहेगी। और डोनाल्ड ट्रंप जो भी है उनके बयानों पे कयास लगाया जा रहा है कि वो कह रहे थे कि हमने ये कहा कि
माफ कीजिए एक मिनट, हाँ उन्होंने ये कहा कि पहले ये कहा कि पहले ये कहा कि मैं जीत हार के लिए तैयार नहीं, पर ये जो है ये तो ये डोनाल्ड ट्रंप की एक शैली है। मैंने उनको इंटरव्यू किया है, मुझे जानता हूँ कि वो इस तरह की बातें कहते रहते हैं और थोड़े से सब्ड्यूड जरूर है, पर वो ये उनके सपोर्टर्स ये भी सोच रहे हैं कि अगर बैटल ग्राउंड स्टेट में वो जीत गए तो क्या पता दोबारा अमेरिका की गद्दी पर वो स्थापित हो जाए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। बिल्कुल सौरभ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो आपने बात कही ना कि लोकतांत्रिक समाज चाहे वो अमेरिका हो या भारत हो, विपक्ष की मौजूदगी मजबूती से बड़ी जरूरी है। सेनेट के अंदर, कांग्रेस के अंदर अगर विपक्ष की मौजूदगी मजबूत होती है तो सरकार के हाथ बंधे रहते हैं। इन सब के बीच हमारे सहयोगी लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। और ये देखिए तस्वीर, ट्रंप समर्थकों की जबरदस्त भीड़ वॉशिंगटन में। प्रणय हमारे साथ मौजूद है, व्हाइट हाउस के बाहर मौजूद है। प्रणय, डोनाल्ड ट्रंप के बालों को लेकर बड़ी चर्चा रही इस चुनाव में, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी को लेकर वो प्रचार नहीं कर रही है, आखिरी वक्त में प्रचार आई। आप तो एक महीने से अमेरिका में ही है, क्या स्थिति अब जैसे ही ये पता चल रहा है कि ट्रंप बढ़त बना रहे हैं, फ्लोरिडा में भी बना ली, टेक्सास में भी बढ़ा ली? प्रणय, सवाल आपसे था, वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर जैसे ही ये खबर आ रही है कि बढ़त बना रहे हैं ट्रंप, तो क्या माहौल बदल रहा है? देखिए माहौल फिलहाल जो है, यहाँ स्क्रीन्स लगी हुई हैं, उन स्क्रीन्स के ऊपर लोग खड़े होके देख रहे हैं कि नतीजे क्या आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ जिस तरीके का माहौल है, अलग अलग किस्म से लोग पोशाकें पहन के यहाँ प्रदर्शन करने आए, खुद डोनाल्ड ट्रंप की पोशाक पहन के, जिनके बालों का आप जिक्र कर रहे थे, उनका जो है मास्क लगा के, एक हेड मास्क लगा के एक शख्स यहाँ पहुंचा है और उसके साथ लोग सेल्फीज ले रहे हैं, वो यहाँ पहुंचा है। हालांकि ये डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के बाहर हैं, असली डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर हैं, वो भी नतीजों का इंतजार कर रहे होंगे। ये रेस जिस तरीके से हमारे विशेषज्ञ भी बता रहे हैं, सौरभ बता रहे हैं, संजीव ने बताया, जिस तरीके से हम टैली बता रहे हैं दर्शकों को, ये कांटे की टक्कर अभी चलनी है, ये धीरे धीरे और इंटेंस होगी, क्योंकि हाफवे मार्क अभी भी, यानी 270 के आंकड़े का भी हाफवे मार्क अभी जो सबसे करीब नजर आ रहे हैं वो जो बाइडेन नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो रेड मिराज और ब्लू मिराज की हम बात कर रहे थे, चूंकि आंकड़े जिस तरीके से आते हैं, ब्लू शिफ्ट बहुत समय तक देखा गया है इलेक्शंस के अंदर, पिछले कुछ समय के अंदर, यानी जो टैली है जिसमें धीरे धीरे उसके अंदर एक ब्लू शिफ्ट होता है, यानी कई राज्य जो हैं जो रिपब्लिकन होते हैं वो धीरे से डेमोक्रेट की तरफ आते हैं जिस तरीके से वोट काउंट क्लोज इन होता है। तो ये जो रेस है ये उन 10 राज्यों के ऊपर जो कि स्विंग स्टेट कहे जाते हैं, उसमें से अभी आयोवा का और विस्कॉन्सन के नतीजे अब आना शुरू हुए हैं, आयोवा का नतीजा जो है वो अभी आना भी शुरू नहीं हुआ है। टेक्सास प्रिडोमिनेंटली, जिसकी जिक्र आप विकास कर रहे थे, प्रिडोमिनेंटली एक रेड स्टेट है, यानी रिपब्लिकन का गढ़ माना जाता है टेक्सास। टेक्सास में ही आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाउडी मोदी का इवेंट वहां हुआ था, जहां डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे थे, विकास आप खुद कवर करने के लिए वहां ह्यूस्टन में थे, तो आपने देखा किस तरीके से उस स्टेट के अंदर एक रिपब्लिकन डोमिनेंस है। लेकिन उसके बाद कितनी सेंध लगाते हैं, क्योंकि टेक्सास के अंदर 100% वोटिंग हुई है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से, और अर्ली वोटिंग काफी हुई है टेक्सास के अंदर। तो इस लिहाज से बड़ी खबर आ गई है प्रणव, एक बड़ी खबर आई है, बड़ी खबर जॉर्जिया से है। देखिए हम आपको लगातार स्विंग स्टेट्स के आंकड़े दिखा रहे हैं, हमने फ्लोरिडा दिखाया, टेक्सास दिखाया, अब जॉर्जिया की बात कर रहे हैं। जॉर्जिया में ट्रंप ने बढ़त बनाई है, बड़ा उलटफेर हुआ है, यहाँ ट्रंप को 56% वोट मिले हैं, 16 इलेक्टोरल वोट हैं जॉर्जिया में। जॉर्जिया के अलावा नॉर्थ कैरोलिना और मिशिगन पर भी हमारी नजर है, क्योंकि ये वो स्टेट हैं जो जबरदस्त स्विंग स्टेट कहे जाते हैं और यहाँ पर अच्छे खासे इलेक्टोरल वोट भी हैं। देखिए यहाँ पर 16-16 इलेक्टोरल वोट हैं। इस समय आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं 56% वोट के साथ जॉर्जिया में वापसी की है डोनाल्ड ट्रंप ने, जबकि 42% वोट के साथ जो बाइडेन दूसरे नंबर पर हैं। जॉर्जिया में बड़ा उलटफेर हुआ है, जॉर्जिया स्विंग स्टेट में आता है और ये स्विंग स्टेट ही डिसाइड करेंगे कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी गद्दी बचा पाएंगे। और इस वक्त हम सीधे चलते हैं सविता पटेल के पास। सविता, आपके यहाँ धीरे धीरे तापमान गिर रहा है, आप दिन में हमारे साथ जुड़े थे, अब रात होती जा रही है, ओवरकोट पहन लीजिएगा, ठंड से बचे रहिएगा, क्योंकि आपको हमारे साथ लंबे समय तक टिके रहना है। जॉर्जिया में भी बड़ा उलटफेर हो गया है जी, स्विंग स्टेट्स का शुरू से महत्व रहा है, 38 स्टेट्स हैं 50 में से जो हरदम एक प्रिडिक्टेबल तरीके से वोट करते हैं, और 12 स्टेट्स हैं 12
जो हरदम किसी भी तरह से स्विंग कर सकते हैं और ये हिस्टोरिकली प्रूवन है कि इनको बैटल ग्राउंड स्टेट इसीलिए कहा जाता है और सबसे ज्यादा कैंपेनिंग और सबसे ज्यादा कैंपेनिंग का खर्चा इन 12 स्टेट्स में होता है। हालांकि काफी सारी फंड डोनेशन जो है वो सिलिकॉन वैली से कलेक्ट करते हैं दोनों ही कैंडिडेट दोनों ही पार्टी के, और ये भी कहा जाता है कि व्हाइट हाउस का रास्ता सिलिकॉन वैली से होते हुए गुजरता है, लेकिन जो डिसीजन है वो स्विंग स्टेट्स के से ही आता है जी। और कैलिफोर्निया में अभी भी पोल्स ओपन है। एक और बड़े उलटफेर की खबर आ गई है एक और स्विंग स्टेट से, और ये है विस्कॉन्सन में। विस्कॉन्सन में ट्रंप आगे निकल गए। विस्कॉन्सन में ट्रंप 51.9% और बाइडेन 40.5%, लगभग आप कह सकते हैं 7-8% का निर्णायक बढ़त। ट्रंप ने भी मार ली है सेंचुरी। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप ने भी मार ली है सेंचुरी, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब आगे जो बाइडेन के बढ़ने की रफ्तार थी वो धीमी हो गई है और ट्रंप के बढ़ने की रफ्तार बढ़ गई है। सीधे लिए चलते हैं आपको फिर से प्रणय उपाध्याय के पास। प्रणय, पल पल टैली बदल रही है। ट्रंप ने आंकड़ा सेंचुरी मार ली है आंकड़े में और 129 में अब तक जो बाइडेन, तस्वीरें दिखाइए फिर से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जिनको पॉपुलर वोट कई जगह पे पॉपुलर वोट काफी मिला है और उस पॉपुलर वोट के मद्देनजर ये माना जा रहा है कि ये इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर भी वो अपनी बढ़त को बनाए रखेंगे। जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, जो 12 स्टेट जिसका सविता जिक्र कर रही थी उसके अंदर से फ्लोरिडा, जॉर्जिया, मिशिगन और ओहायो का भी जो नतीजा आ रहा है वो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। 70% से ज्यादा की वोटिंग वहां हो चुकी है और यहां इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर 6 इलेक्टोरल कॉलेज अब तक गए हैं। टेक्सस के अंदर बिल्कुल उसी तरीके से रेड स्टेट टेक्सस बरकरार है। विस्कॉन्सन के अंदर भी बढ़त डोनाल्ड ट्रंप की है। यानी अगर हम 12 में से बात करें तो 6 जो हैं वो राज्य 6 डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं और 6 जो बाइडेन के पास हैं। यानी कांटे का मुकाबला है, बराबरी का मुकाबला है और ऊंट चुनावी ऊंट जो है वो किसी भी करवट ले सकता है, खासतौर पर इन 12 बैटल ग्राउंड। आप बने रहिए हमारे साथ, मधु भाटिया का रुख कर लेते हैं। मधु भाटिया जहां हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मधु, ये जो स्विंग स्टेट हैं इस बार वाकई में जबरदस्त स्विंग लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक जो नतीजे आने चाहिए थे उसके बड़े उलटफेर सब बड़े उलटफेर के साथ सामने आ रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह होगी कि अब तक कितने परसेंट की वोटिंग वोट काउंटिंग हो चुकी है। ये अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था कि चाहे स्टेट हो या कोई और राज्य हो, अगर इन पर्सन वोटिंग पहले काउंट होगी तो उसका रुझान रिपब्लिकन की तरफ ही जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे जैसे मेल बैलेट की गिनती और शुरू होगी तब ये पासा बिल्कुल पलट भी सकता है, क्योंकि सारे आंकड़े यही कह रहे हैं कि जो मेल बैलेट्स हुए थे उसमें ज्यादातर डेमोक्रेट्स ने वोट किया है, ज्यादातर जो बाइडेन के समर्थक हैं। तो फिलहाल अगर विस्कॉन्सिन में जो एक माना जा रहा था कि वो जो बाइडेन जीत जाएंगे, अगर वो ट्रंप के खेमे ट्रंप की तरफ लीन करता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कितना परसेंटेज ऑफ काउंटिंग हुआ है, क्या सिर्फ इन पर्सन काउंटिंग है, उससे भी रुझान का इशारा मिलेगा। तो विस्कॉन्सन की जानकारी हम दे रहे थे, ओहायो के बारे में प्रणय आपने बताया कि यहाँ भी ट्रंप ने बढ़त बनाई हुई, और जैसे जैसे प्रणय आपके पास हम आते हैं और बताते हैं कि ट्रंप ने बढ़त बना ली है तो आपके आगे पीछे की जो तस्वीरें वो बदलनी शुरू हो जाती है, शोर बढ़ जाता है। मैं चाहती हूँ कि अपने आसपास के लोगों से जरा बात भी करें अंग्रेजी में ही सही, हमारे भारतीय दर्शक देखे तो कि जब चुनाव होता है तो वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर किस तरह का माहौल होता है। प्रणय, आप बिल्कुल इस समय, लेकिन फिलहाल जो है मेरे आसपास टीवी क्रू ज्यादा है और जो लोग हैं, क्योंकि प्रोटेस्टर्स और जो भी यहाँ प्रदर्शनकारी आए हैं वो थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर हैं, तो जैसे ही मेरे पास कोई व्यक्ति आता है मैं उससे जरूर बात करने की कोशिश करूंगा, हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर पासर बाय भी बहुत सारे हैं, यानी बहुत सारे लोग केवल ये देखने के लिए आए कि आखिर यहाँ क्या माहौल है, क्या हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं या लोग कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं या लोग यहाँ क्या कहने के लिए आए हैं। ये सारे इस समय जो है रंगत यहाँ पर बनी हुई है, म्यूजिक चल रहा है, तेज म्यूजिक है और इस म्यूजिक के बीच ही लोग अपनी अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन व्हाइट हाउस के ऊपर जरूर सबकी नजर है, लोग यहाँ से जाते भी हैं, जो लोग भी जो भी लोग यहाँ आते हैं
वो यहाँ तक आते हैं और यहाँ पर तस्वीरें खिंचाते हैं और उसके बाद आगे तक उस वॉल तक होके आते हैं विकास, जो मैं अपने कैमरा सहयोगी से दिखाऊंगा अगर वो जूम करके आपको दिखा सकें कि ये पूरी लंबी एक बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी सुरक्षा के लिहाज से उसे वॉल के तौर पर बनाया गया है। और आप देखें कि जैसे खेतों के अंदर बिजू का टांगा जाता है उस तरीके से यहाँ टी शर्ट्स को उसको टांगा गया है ऊपर और उसके ऊपर जो ब्लैक लाइव मैटर है वो लिखा हुआ है। जो बाइडेन जिस तरीके से बढ़त बना रहे हैं उसको लेकर निश्चित रूप से यहाँ पर जो उनके समर्थक जो यहाँ पहुंचे हैं उनके अंदर काफी उत्साह है और वो सीधे पहुंचा रहे हैं। अगर जो बाइडेन के जरिए हम लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो व्हाइट हाउस के बाहर की हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें देते रहेंगे। लेकिन अब डॉली कपूर का रुख कर लेते हैं। डॉली, अभी थोड़ी देर पहले सौरभ शुक्ला जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि फ्लोरिडा में जो स्विंग हुआ है वो लेटिन वोटों की वजह से हुआ है। इस बार लेटिन्स ने जो वोट किया वो डोनाल्ड ट्रंप को किया, जबकि 2016 में वो वोट उन्होंने डेमोक्रेट को किया था। तो बदलाव की बड़ी वजह क्या दिखी आपको? डॉली से संपर्क हमारा कट गया है, हम सीधे मधु भाटिया के पास चलते हैं। मधु, फ्लोरिडा में अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो आप जवाब दे सकते हैं, वरना मैं आपको सवाल फिर से दोहरा दूंगा कि फ्लोरिडा में लैटिन वोटों की वजह से बड़ा बदलाव फेरबदल दिखाई दे रहा है, सौरभ शुक्ला भी हमें बता रहे हैं। जी, फ्लोरिडा में जो लैटिनो वोटर्स हैं उनका फेरबदल देखने को मिला है, थोड़ा ट्रंप के खेमे में गया है, लेकिन ये भी देखना है कि जो ये शिफ्ट हुआ है ये लैटिनो मेल वोटर्स का हुआ है, यही शिफ्ट जो है वो अफ्रीकन मेल वोटर्स का ज्यादा हुआ है। जितने भी फीमेल हैं, जो विमेन वोटर्स हैं, उनमें चाहे वो वाइट्स हों, चाहे वो अफ्रीकन मूल के हों, चाहे वो हिस्पैनिक्स हों, उनका शिफ्ट अभी भी ज्यादातर जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ है। तो इसकी बड़े बदलाव की वजह तो यही है कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की कुछ इकोनॉमिक नीतियों को लेकर वो उनके साथ थे, जो कोरोना वायरस उनके लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन महिलाओं के लिए कोरोना वायरस और परिवार की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था और इसकी वजह थी कि वो ट्रंप की सरकार की नाकामी जो रही है कोरोना वायरस को संभालने के लिए उससे वो खुश नहीं थे। जो डिवाइड वो देश में ला रहे थे अपने बयानों से उससे वो खुश नहीं थे। तो हिस्पैनिक मेल और अफ्रीकन मेल वोट्स जरूर ट्रंप के खेमे में ज्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। नवनीत चुग भी जुड़ गए हमारे इस बड़े पैनल पर, लगातार अलग अलग लोगों को हम जोड़ रहे हैं और बड़ा पैनल इसीलिए भी विस्तार दे रहा है ताकि हर तरह की बात इस पैनल में हो। हमारे साथ कैलिफोर्निया से फ्रेंड्स ऑफ कमला हैरिस मैनेजिंग पार्टनर LLP जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका नवनीत जी। भारत के दर्शक किस तरह से देखें अगर अमेरिका में ट्रंप नहीं बाइडेन चुने जाते हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि उन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट चुना है वो भारतीय मूल की अमेरिकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को इनवाइट किया। इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन सिर्फ 1% है अमेरिका में, और किसी भी कंट्री में कोई 1%, 2%, 5% कोई पॉपुलेशन का माइनॉरिटी हो तो उनका कोई प्रेसिडेंट बने। हम जो इंडियंस जो पॉलिटिकली बहुत इन्वॉल्व हैं, हम मजाक करते थे पिछले 10 साल से कि हमारे लाइफ टाइम में, हमारी जिंदगी में हम एक इंडियन प्रेसिडेंट देखेंगे, और जब भी हम ये बोलते थे कोई इवेंट पे, कोई फंक्शन पे, तो लोग हमारे पे हंसते थे। और अब ये हालत हो गई है कि बहुत चांसेस हैं कि कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगी। अब तो नौबत ये आ चुकी है कि लोग बोलते हैं कि 2024 में अमेरिका में साउथ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस की लड़ाई होने वाली ये है। आप लोगों की मेहनत है नवनीत जी, ये हम भारतीयों ने कमाया है दशकों तक, तभी ये नतीजे हमें मिले। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है विकास। जी हाँ, देखिए बड़ी खबर है, बड़ी खबर इस समय आ रही है मिशिगन से। देखिए हम आपको लगातार स्विंग स्टेट्स का मूड बता रहे हैं। पहले हमने आपको फ्लोरिडा बताया, फिर टेक्सास बताया, टेक्सास के बाद हमने जॉर्जिया बताया, अब मिशिगन और फिर नॉर्थ कैरोलिना भी जाएंगे। मिशिगन में ट्रंप ने उलटफेर किया है, ट्रंप को यहाँ बढ़त मिल गई है, 57% वोट के साथ नंबर एक पर है। स्विंग स्टेट में ट्रंप का प्रदर्शन शानदार होता जा रहा है और 100 सेंचुरी मारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अभी भी हालांकि दूसरे नंबर पर बने हुए हैं, लेकिन ये नतीजे रुझान और ये जो नतीजे हैं ये रुझान है अभी फिलहाल, और नतीजे जब कन्वर्ट होंगे तब हम आपको बताएंगे। लेकिन जो स्विंग स्टेट हैं वहां पर ट्रंप लगातार डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाते जा रहे हैं। प्रणव, लगातार बढ़त बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप उन स्टेट्स में जिनको स्विंग स्टेट्स माना जाता है।
जी बिल्कुल, पॉपुलर वोट जो है फिलहाल उनके खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है विकास, लेकिन असली चीज होगी ये देखना कि ये इलेक्टोरल कॉलेज की विक्ट्री कितनी होती है, क्योंकि इन स्विंग स्टेट्स में भी अगर हम बात करें तो इलेक्टोरल कॉलेज मिशिगन के अंदर 16 है और इसके अलावा जो न्यू हैम्पशायर है वहां 4 है, इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना में 15 है। इन सारे राज्यों में अगर हम ओहायो की भी बात करें तो 6 इलेक्टोरल कॉलेज फिलहाल ट्रंप के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं और 5 जो है वो बाइडेन के खाते में नजर आ जा रहे हैं। ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारा गणित है विकास, ये इसमें डिपेंड करता है कि इलेक्टोरल कॉलेज का पासा किसके पास होता है, क्योंकि पॉपुलर वोट जैसा हमने 2016 में भी देखा था, हिलरी क्लिंटन को 20 लाख से ज्यादा जो है पॉपुलर वोट ज्यादा मिले थे ट्रंप से, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज 306 इलेक्टोरल कॉलेज के साथ डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति बनकर व्हाइट हाउस पहुंचे थे। तो ऐसे में इलेक्टोरल कॉलेज किसके पास कितना होता है, ये सारी चीजें गणित इन्हीं जो इलेक्टोरल जो स्विंग स्टेट्स हैं, बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, वहां होगी। और इसीलिए सारे कैंडिडेट्स ने, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे हैं, सारे कैंडिडेट्स का सारा जोर इसी पे था। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन के अंदर तो ये स्थिति थी कि मिशिगन में आज सुबह भी कमला हैरिस ने अपनी एक सभा वहां पे की है, क्योंकि यहां पर प्रचार इलेक्शन के दौरान भी थमता नहीं है। और इसीलिए आज वर्जीनिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप गए थे, उन्होंने अपने वहां अपनी कैंपेन टीम से वहां मुलाकात की। और पेंसिल्वेनिया के अंदर बीते दो तीन हफ्तों से लगातार डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन रैलीज कर रहे थे, तो ये इंटेंस होता जाता है, लगातार ये दिखा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे बढ़त बना रहे हैं। हालांकि अभी इलेक्टोरल कॉलेज में ये नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद हो सकता है कि नतीजों में ये कन्वर्ट हो जाए। लेकिन इन नतीजों के बाद माहौल क्या है, क्या आपके पीछे जश्न और प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, वहां कुछ तनाव है? विकास, फिलहाल तनाव जो है वो चिंताओं में ज्यादा नजर आ रहा है, हालांकि फिलहाल यहाँ शांतिपूर्ण है, लेकिन पुलिस का बहुत डिप्लॉयमेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस समय भी हमारे ऊपर जो है चॉपर होवर कर रहा है, और वो चॉपर जो है वो लगातार इस पूरे इलाके के अंदर फ्लैशलाइट के साथ, जैसा आपने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा, उस फ्लैशलाइट के साथ में वो चॉपर जो है वो मॉनिटर कर रहा है कि इस इलाके के अंदर, यानी आप सोच सकते हैं कि व्हाइट हाउस के बाहर किस तरीके से निगरानी हो रही है। बाकायदा यहाँ पर ऑन फुट ऑन ग्राउंड सर्वेलेंस तो है ही, लेकिन हवा से भी जो सर्वेलेंस हो रहा है, जिस तरीके से सर्च लाइट जो है वो नीचे डाली जा रही है, नीचे चूंकि प्रदर्शनकारी हैं, बहुत सारे लोग हैं, और इसमें कहीं कोई गड़बड़ी न हो, यहाँ तक कि प्रदर्शनकारी भी जो हैं अपने साथ गैस मास्क लेके आए हैं, यानी उन्हें भी इस चीज की आशंका है कि कोई माहौल हुआ है या कोई स्थिति यहाँ पर, तो वो भी इस तैयारी से आए हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बताती हैं कि चिंता जरूर है। फिलहाल शांतिपूर्ण है स्थिति, यहाँ पे कोई तनाव नहीं है, छोटी सी तल्खी हो सकता है, ट्रंप के समर्थक जब यहाँ पर एक दो लोग आए तो कुछ कहा सुनी की स्थिति आई, लेकिन हर थोड़ी देर में कोई ना कोई हलचल होती है। मेरे पीछे से इस समय जो है भीड़ उस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, कोई घटना ध्यान रखिएगा, सारे लोग जो है उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से उस तरफ के इलाके में कोई ना कोई हलचल हुई है। जी, कोई ना कोई हलचल हुई है, हलचल के बीच अपना ख्याल जरूर रखिएगा, वहां तक पहुंच के आपको दिखा सकें कि तो टॉप एंगल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। टॉप एंगल की तस्वीर में नेशनल गार्ड्स की मौजूदगी, स्थानीय पुलिस की मौजूदगी बहुत बड़े स्तर पर, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र, वहां जो सबसे ताकतवर इलाका है वॉशिंगटन का व्हाइट हाउस, वहां इस वक्त पूरा का पूरा इलाका क्वार्टर ऑफ कर दिया गया है, जमीन से लेकर आसमान तक पल पल की जानकारी तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे निगरानी कर दी गई है, इस डर से कि अगर दोनों में से कोई एक हारता है जो कि होगा ही, और दोनों में से कोई एक जीतता है जो कि होगा ही, कहीं दूसरे के समर्थक हिंसा पर उतारू ना हो जाएं। इस बड़ी कवरेज पर ये देखिए धक्का मुक्की की तस्वीरें आ रही है, धक्का मुक्की हो रही है, शायद पड़े इसी वजह से आपके आसपास आपने हलचल देखी थी, वहां एक महिला दिख रही है जो कि नेशनल गार्ड या स्थानीय पुलिस जो है उससे बहस कर रही है, कोई ऐसी कोई स्थिति आप अपने आसपास देख रहे हैं क्या? और अपना ध्यान रखिएगा। प्रणय आपके पास आएंगे, अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तनाव की तस्वीरें अमेरिका के वॉशिंगटन के बाहर से आ रही है, अभी छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।